देखने जा रहे हैं इसके अंदर कुछ ऐसे ऑप्शन जो इसके अंदर हैं वो इसके अंदर नहीं हैं, और जो इसके अंदर हैं वो इसके अंदर नहीं हैं। यही इसकी जान है, शान है, आन है, बान है, अनटोल्ड कंपैरिजन की। इसके जरिए आप बता लगाएंगे कि किस कीबोर्ड को आपको घर लेकर जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यार टिकटॉक वाले हमारे वीडियो मत देखा करो, सबसे पहली बात मैं बताता हूँ। आप टिकटॉक की तरह वीडियो देखेंगे, उल्टा सीधा कीबोर्ड लेकर आएंगे घर में। या हो सकता है बेस, पैरास, बड़ी ड्रॉबैक यानी बहुत बड़ी कमी या कमजोरी इस कीबोर्ड के अंदर है, वो क्या है? तो बहुत ही ज्यादा पेचीदा मुकाबला है, और मैं आपको बता दूं इसको स्टार्ट करने से पहले हमारे पास भरे पड़े हैं EX50, i500। वेलकम बैक टू वन मोर ब्लॉग ऑफ बीज इंडिया। टुडे आई गो टू एक्सप्लोर एंड दिस इज द अनटोल्ड कंपैरिजन यमाहा i500 वर्स रोलैंड EX50। ये बहुत ही ज्यादा पेचीदा मुकाबला है। देखिए, एज ए इंक्लूडिंग तानपुरा, सितार, हारमोनियम, ढोलक, तबला, संतूर, दीज ऑल आर द कलेक्शंस एंड बट वन इज द यूनिक इन द i500। ये तो है ही, इतने सारे जो इंडियन रिदम्स है ये तो है ही है, लेकिन इसके अंदर एक खास चीज है जो किसी के अंदर भी नहीं है, और इसके अंदर कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, ब्लूटूथ माइक ऑप्शंस, 4 वेरिएशंस। तो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा मुकाबला है, और मैं आपको बता दूं इसको स्टार्ट करने से पहले हमारे पास भरे पड़े हैं EX50, i500। ये देखिए, इस तरह भी भरा पड़ा, कैमरा में दिखेगा नहीं, ऊपर एक गोदाम है, बाकी 2-3 जगह हमारे गोदाम है। होलसेल में डील होता है, अगर ज़्यादा आप व्हाट्सएप में चिक 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 करते रहेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। स्टॉक है पेमेंट डालिए, घर मंगवाइए, ऑफर में समझ चाहिए तो, नहीं तो अपने नजदीक डीलर से कहीं से भी ले सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग लेट्स गो टू स्टार्ट अनटोल्ड कंपैरिजन। वेलकम टू द बीज इंडिया, द कंप्लीट बिजनेस चैनल, नॉट ओनली बिजनेस, द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द बिजी पीपल। i500 वर्स रोलैंड EX50। दोनों ही बहुत ही ज्यादा दमदार ताकतवर कीबोर्ड है, और इस कीबोर्ड के शान में सिर्फ एक ही बात मैं कहूँगा, ये तकरीबन मार्केट में 5 साल से तकरीबन 1000 से ज़्यादा पीस बिक चुका होगा, और ये थोड़ा सा नया एंट्री है। हालांकि इसके ऑप्शन कुछ ऐसे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, और जो इसका जो ब्रॉड साइज़ है और इसके जो पायलट बटन्स हैं ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं कि इसे लिया जाए या इसे लिया जाए। हालाँकि इस वीडियो में आपको मैं बता दूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल सही निर्णय ले पाएंगे कि इन दोनों कीबोर्डों में से किस कीबोर्ड को सेलेक्ट किया जाए। और मैं साथ साथ आपको ये भी बता दूं, एक नया एक और अनटोल्ड कंपैरिजन आएगा, रोलैंड EX50 वर्सेस केशियो CTX 9000। हालांकि i500 और CTX 9000 का ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है क्योंकि ये मॉडल अभी आया है, थोड़ा इसकी क्वालिटी और इसके जो साउंड क्वालिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा लाजवाब है, तो इसके साथ भी एक मुकाबला आ जाता है, और मुकाबला होना चाहिए, वो आपको पता लग जाएगा इस वीडियो में क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। सबसे पहले ये ऑन होता है, ऑन होने के बाद सबसे पहली चीज कीबोर्ड के अंदर वो है पियानो। हर इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड के अंदर पियानो की आवाज, इसके अंदर भी जी ले रहा हूं मैं, इधर ये एड छिपा करें, कुछ भी डिफरेंस नहीं दिख रहे। हालांकि मैंने आपके लिए पंखा सब कुछ बंद कर दिया, एसी भी बंद कर दिया, क्योंकि कुछ रिदम्स ऐसे हैं जिसमें किसी भी तरह का शोर नहीं चाहिए होता, तब जाकर आप समझ पाएंगे। देखिए, जहां तक कि पियानो की बात है, साफ समझ आ रहा, देखिए
जब कीज की बात आ रही है तो मैं आपको बता दूं इसके कीज प्रेस करने में और इसके कीज प्रेस करने में देखिए ये 5 साल से टिका पड़ा है और ये तकरीबन 1-1.5 साल से ही चल रहा है, अभी नया न्यू एंट्री है, लेकिन इसकी क्वालिटीज़ किस क्वालिटीज़ इससे ज़्यादा लाजवाब है मैं बता देता हूँ, साफ मुझे समझ आ रही है। और उसके बाद जो कीस के नीचे जो गैप होता है इसके अंदर भी सेम है, इसके अंदर भी सेम है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है इसके स्क्रीन्स की, जहाँ तक कि स्क्रीन की बात करी जाए, स्क्रीन में आपको यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है एक ग्रे कलर का स्क्रीन, ठीक है, जब ऑन करते हैं तो, और ऐसा ही दिखता है इसके अंदर, यानी लगभग इस साइज के बराबर है 3 इंच। और बिल्कुल इसको यहाँ पर लेकर आऊँ तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा है, और स्क्रीन की जहाँ तक की बात करें इसकी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी है उससे, और बाकी क्लैरिटी में कुछ खास फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। और जब स्क्रीन की बात आ रही है तो बॉडी की बात भी कर लेते हैं। इसकी जो बॉडी है i500 की बॉडी थोड़ी कॉम्पैक्ट है और प्रोफेशनल भी है, काफ़ी सारे बटन्स दिखाई देते हैं ये देखिए, और इसमें काफ़ी सारे नाम वाम सब दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक प्रोफेशनल कीबोर्ड की तरह इसका लुक भी दिया गया, फालतू के नाम वाम कुछ भी नहीं है, जो बड़े बड़े प्रोफेशनल होते हैं उनको मतलब फालतू फालतू चीज़ों से कोई मतलब नहीं होती, और काफ़ी बड़े बड़े बटन है और कम बटन है। इसके साथ जब हम देखते हैं इसमें कम बटन है, इसमें बटन खचपच बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, मैं सब आपको इसके अंदर बताता हूँ। और इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, जंबो साइज़ का है, देखिए ये वाला ब्रॉड साइज़ तो लगभग सेम ही है इसका और इसका, लेकिन जो इसकी लेंथ है ये कॉम्पैक्ट है लेकिन इसकी लेंथ काफ़ी लंबी है, ठीक है, यहाँ से देख कर ही पता लगता है। ये देखिए कितना जगह, ये जगह कितना चौड़ा है, और यहाँ देखिए, और उस तरफ भी ऐसी है, उस तरफ भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ देखिए चौड़ा है, मतलब एक प्रोफेशनल तरीके से ध्यान दिया। और वेट भी काफ़ी है, यहाँ तक कि इसकी वेट की बात करें और इसकी वेट की बात करें, i500 का वेट तकरीबन आपको मात्र 7 किलो 6.5 किलो के आसपास आ जाता है, और ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, लेकिन इसकी वेट ओ भाई 10 किलो के आसपास है, जहाँ की भारी की भारीपन की बात आती है। सीधी सी बात मैं बताता हूँ, ये बिगिनर के लिए है, ये भी बिगिनर के लिए है, ये छोटू बच्चा भी ले सकता है, ये छोटू बच्चा नहीं लेकर जा सकता क्योंकि ये काफ़ी भारी है और काफ़ी बड़ा है, ठीक है, हालांकि बिगिनर्स के लिए ये यूज़ चल सकता है। इसको बैटरी से लगा के चला सकते हैं i500 को, ठीक है, 6 बैटरी से लगते हैं और चल जाएगा, इसके अंदर कोई बैटरी नहीं लगेगा, ठीक है, रोलैंड EX50 के अंदर। चलिए जब टोन्स की बात कर रहे हैं, जब हम इसके अंदर इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो एक खास चीज़ बताता हूँ, इसके अंदर आपको मिल जाते हैं i500 के अंदर तकरीबन 801 वॉइसेस और टोन्स इंक्लूडिंग इंडियन, इसके अंदर आपको 700 वॉइसेस और टोन्स मिल जाते हैं इंक्लूडिंग इंडियन, 700 का फर्क है, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग्स इन i500, स्ट्रिंग्स इन EX50, वेरिएशंस इसके अंदर भी मिल जाते हैं, इसके अंदर भी मिल जाते हैं, यानी वेराइटीज जो है स्ट्रिंग्स के, ई स्ट्रिंग्स, बॉम्बे स्ट्रिंग्स, आई स्ट्रिंग्स, कुछ इसके अंदर भी मिल जाते हैं, इसके अंदर भी मिल जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से काफी हैं। ये सब वॉइसेस होते हैं। चलिए उसके बाद रिदम्स की बात, जहां तक बात आती है, इसके अंदर आपको 280 मिल जाते हैं और इसके अंदर 300 मिल जाते हैं, 282 और इसके अंदर 300 रिदम्स। रिदम्स इसे कहा जाता है वेस्टर्न रिदम, बहुत सारे हैं इसके अंदर, जानते कि बीट की बेस की बात है, बीट्स की आवाज रिदम्स की आवाज लगभग एक जैसी ही है।
बीट के बारे में काफ़ी ज़रूरी बात यह है कि यू गेट अ फोर वेरिएशंस इन दिस मॉडल, बट इन दिस मॉडल यू गेट ओनली टू वेरिएशंस, टू फिलिंग्स, टू वेरिएशंस, फोर फिलिंग्स वेरिएशंस इन EX50. फॉर एग्जांपल फर्स्ट i500, now I play without chords, filling one, filling two, only two variations, again ending. अब इसके अंदर हम चेक करते हैं, वेरिएशन वन, फिलिंग वन, फिलिंग टू, वेरिएशन टू, फिलिंग थ्री, वेरिएशन थ्री, फोर्थ फिलिंग, फोर वेरिएशंस, नाउ कॉर्ड्स. ओके, कॉर्ड साउंड, हाउ इज द कॉर्ड साउंड इन द बोथ ऑफ कीबोर्ड? अब यह है कॉर्ड की आवाज दोनों कीबोर्ड में. This is the chord sound. Same chord I take in this model. Okay, now I take some santoor in the both of keyboard used with the chords. Now take one of the rhythms, tabla, in this. Tabla ka main taste le leta hun dono ke andar. आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इंडियन कैटेगरी में कितना दमदार है. ठीक है, तो राइट नाउ आई एम यूजिंग बेस स्पिल्ट ऑप्शन एक्टिव इन दिस मॉडल एंड द सेम स्पिल्ट ऑप्शन इज अवेलेबल इन दिस मॉडल ऑल्सो. स्पिल्ट मैंने इसमें एक्टिव कर लिया एक तरह मैंने, और इसके अंदर भी स्पिल्ट ऑप्शन भी है, इसके अंदर भी है, और मैं एक्टिव करके आपको बजा के दिखाऊंगा. ठीक है, राइट नाउ आई टेक इन दिस सेम कॉर्ड इन दिस मॉडल. Now I told some of the common options in the both keyboard. अब मैं कुछ ऐसे options बता रहा हूँ जो दोनों keyboard के अंदर available हैं. So first is the dial button, available in i500. Dial button is available in the Roland EX50. Numeric button, numeric button available in the i500,
एंड न्यूब्रिक बटन अवेलेबल इन दी EX50, देन कैटेगरी बटन अवेलेबल इन दी i500, इसके अंदर भी अवेलेबल है। देन ड्यूअल ऑप्शन स्पिल्ट ऑप्शन इन दी अवेलेबल इन दी i500, स्पिल्ट एंड ड्यूअल ऑल्सो अवेलेबल इन दी Roland EX50. Quad button separately available in this keyboard and quad button also available in the in this keyboard. Pitch band, this is the pitch band. And pitch band also available in this key model. Now the most important part, इसके अंदर भी पिच बैंड है, इसके अंदर भी पिच बैंड है। इसका पिच बैंड थोड़ा सा हार्ड है, इसका बहुत सॉफ्ट है। वाकई ज्यादा ही इसका हार्ड फीलिंग लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों है EX50 का, बट एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी सॉफ्ट। Tempo tap button available in the i500, tempo tap available in the with minus plus, metronome button available, and metronome available in the same model, and tuning transpose option available in the transpose. क्या होता है, जैसे pitch होता है, इस pitch की एक ही बटन पिच चेंज करता है। ऑक्टिवा को हम इसके अंदर रिप्लेस कर सकते हैं, यानी चौथे नंबर पे जो है वो पांचवा बना सकते हैं, तीसरा बना सकते हैं फटाफट। इसके अंदर ऐसा ऑप्शन नहीं है, ऑक्टिवा सिर्फ ट्रांसपोज दिया गया है। रजिस्ट्रेशन बैंक मेमोरी ऑप्शन इसके अंदर भी दिया गया है 4, और इसके अंदर भी बिल्कुल 4 दिया गया है। रिकॉर्डिंग, यू कैन रिकॉर्ड योर प्लेबैक। आप कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, रिकॉर्ड करके बजाना चाहते हैं, तो रिकॉर्ड ऑप्शन इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी रिकॉर्ड करके बजा सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन, स्टार्ट स्टॉप फिलिंग बटन इसके अंदर है, इसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट स्टॉप बटन फिलिंग है। इसके अंदर यू कैन पुट पेन ड्राइव इन दिस मॉडल एंड लोड एक्सटर्नल रिदम्स। पेन ड्राइव लगा के एक्सटर्नल रिदम्स लोड कर सकते हैं, इसके अंदर भी पेंडल लगा के आप एक्सटर्नल रिदम्स लोड कर सकते हैं। इसको कंप्यूटर के साथ अटैच किया जा सकता है, इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके स्टूडियो के लिए यूज किया जा सकता है, इसे भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके स्टूडियो के लिए यूज किया जा सकता है। दोनों कीबोर्ड के अंदर सस्टेन पैडल यूज किया जा सकता है, सस्टेन पैडल इस कीबोर्ड में भी और इस कीबोर्ड जो पैर से दबाया जाता है, दोनों के अंदर ऐसी सुविधा अवेलेबल है। ठीक है, 3 बटन अवेलेबल, वॉइस स्टाइल सॉन्ग एट द सेम टाइम 3 बटन अवेलेबल, song, rhythms and tones, okay, but you get a riaz button in this i500, no any riaz button in this model. Volume control button इसके अंदर भी है, volume control button इसके अंदर भी है। इसके अंदर volume button काफी बड़ा दिया गया है i500 के अंदर, इसके अंदर थोड़ा छोटा है। So these all are the common options, ये थे इसके common options जो इसके अंदर भी सेम है, इसके अंदर भी सेम है। अब हम देखने जा रहे हैं इसके अंदर कुछ ऐसे ऑप्शन जो इसके अंदर हैं वो इसके अंदर नहीं हैं, और जो इसके अंदर हैं वो इसके अंदर नहीं हैं। ये ही इसकी जान है, शान है, आन है, बान है, अनटोल्ड कंपैरिजन की। इसके जरिए आप बता लगाएंगे कि किस कीबोर्ड को आपको घर लेकर जाना है। द फर्स्ट ऑप्शंस i500, that is the rhythm track control, okay? Only rhythms, bass, paras,
नाउ रिदम ऐसा कोई भी ऑप्शन इसके अंदर नहीं है, रिदम कंट्रोल, ट्रैक कंट्रोल, सेपरेट ऑर्केस्ट्रा कंट्रोल बटन। यार टिकटॉक वाले हमारे वीडियो मत देखा करो, सबसे पहली बात मैं बताता हूँ। टिकटॉक वाले क्या करते हैं, उनको ठक 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 फटाफट फटाफट 5-5 मिनट में सब चीज़ देखना होता है। ऐसी चीज़ वीडियो हम नहीं बनाते, आलतू फालतू की वीडियो, नॉलेज वाली वीडियो बनाते हैं, पूरी जानकारी मिलती है। तो थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है, अगर पूरी जानकारी देखना चाहते हैं तो आइए, नहीं तो टिकटॉक की तरह छोटे छोटे वीडियो बना के जो क्या कहते हैं रिव्यू के लिए बनाते हैं वैसे वीडियो नहीं। क्यों, हमारे वीडियो देखने के बाद वो बेहतर कीबोर्ड लेकर आए, आप टिकटॉक की तरह वीडियो देखेंगे उल्टा सीधा कीबोर्ड लेकर आएंगे घर में, या हो सकता है बहुत ज़्यादा समझदार हो। चलिए अगला ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, जो इसके अंदर है वो इसके अंदर नहीं है, ठीक है। Ladies and gentlemen, right now this is the voice of East India. गायक तो हूँ नहीं, ऐसी ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है कि देखो, ये जो ऑप्शन है माइक ऑल ऑप्शन, वो सिर्फ EX50 के अंदर है, ठीक है, इसके अंदर नहीं है ऐसा ऑप्शन। और इस ऑप्शन के जरिए आप कहीं भी जाएंगे तो इसको सीधा लगाइए, माइक का स्टैंड लगाइए, माइक वाले को बाय बाय कीजिए, टाटा कीजिए। आप सोलो परफॉर्मेंस बर्थडे पार्टी में कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, गाना गाते हुए इसके अंदर, ठीक है, कुछ भी बजा सकते हैं, इसके साथ साथ बजा भी सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसलिए बता रहा हूँ, देखो सिर्फ मैं सादा प्लेन बताऊँगा ना, क्योंकि हमारे पास बिगिनर्स बहुत से लेना चाहते हैं तो उनको वो ज़्यादा समझ नहीं आएगा। जब बिगिनर्स के साथ समझाता हूँ ना कुछ, उनको प्रैक्टिस के साथ, तो वो ज़्यादा उनको बहुत ही अच्छे से समझ आता है। आपको अगर ये चीज़ें कुछ बोर लगती है तो स्किप करिए, लेकिन आलतू फालतू के कमेंट मत किया कीजिए, इसलिए कह रहा हूँ। जो टिकटॉक वाले होते हैं वो उल्टा कमेंट कर देते हैं कि भाई यार तू पका रहा है, भाई पकने के लिए वीडियो क्यों देख रहा है, सीधा सीधी सी बात है। चलिए जो भी है, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद करता हूँ जो पूरे तय दिल से हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं और कमेंट भी करते हैं, और आप कलाकार हैं, मेरा बहुत बड़ा सलाम है आप लोगों को। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर है वो इसके अंदर नहीं है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दिस इज द असाइन कंट्रोल बटन्स, लाइव कंट्रोल बटन्स। यहाँ पर आपको मिलता है रियाज बैलेंस टू, रियाज टेम्पो, सो दीज ऑल आर द सम बटन्स। ऐसा कोई बटन्स इसके अंदर नहीं है। और ये बटन करता क्या है, बहुत कुछ करता है। फिलहाल आप हमारे इसके मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप उसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। ऐसे बहुत से टोन्स को आप बदल सकते हैं, रिदम्स में भी काम आता है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। अब हमारे डीप रिव्यू देख लीजिए, उसमें सबको समझा रखा, अब मैं इसमें बनाऊंगा तो बहुत ही ज़्यादा लंबा बन जाएगा, ठीक है। ऐसा ऑप्शन इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये है दो बटन, एक बटन, छः छः ऑप्शन के काम करते हैं। जो इसके अंदर है वो इसके अंदर नहीं है, उस बटन की ओर चलते हैं, और वो है सबसे पहला आपका ब्लूटूथ बटन। सो दिस इज द ब्लूटूथ बटन, ओके। इस ब्लूटूथ बटन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जैसे मोबाइल से कोई गाना है, इसके अंदर का गाना हम इसके अंदर चला सकते हैं। एक्स बटन, एक्स का कोई पिन में लगाने की झंझट नहीं है, तार लगाने की, हालांकि इसके अंदर आपको तार लगाना पड़ेगा तो जाकर आपको मोबाइल की आवाज़ अंदर जाएगी, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं लगाना, जस्ट यहाँ से कनेक्ट करना है, सिर्फ इसका गाने का आवाज़ इसके अंदर चले जाएगा, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा ऑप्शन इसके अंदर नहीं दिया गया। चलिए अगले ऑप्शन भी इसके अंदर देख लेते हैं, जो बहुत ही लाजवाब है, जो मैंने पहले आपको बताया था। ये देखिए इसके अंदर 5 ऑक्टेवा है, इसके अंदर भी 5 ऑक्टेवा है, दिस इज द ऑक्टा, इसे कहते हैं ऑक्टा। 1
5 ऑक्टिवा, ठीक है, एंड 61 लार्ज कीज, इसे कहते हैं 5 ऑक्टिवा 61 लार्ज कीज, 61 कीज इसके अंदर भी हैं, इसके अंदर भी। अब इसके अंदर ऑक्टिवा को फटाफट रिप्लेस नहीं कर सकते, ऐसा बटन ही दिए गए, हालांकि फंक्शन के अंदर हो सकता हो, लेकिन इसके अंदर फटाफट आप ऑक्टिवा रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर मिलता है मुझे सिर्फ 5 ऑक्टिवा, लेकिन मैं क्विकली इसी 5 ऑक्टिवा को 8 ऑक्टिवा तक बदल सकता हूँ। इसके अंदर एक ऐसा बटन दिया गया है ऑक्टिवा रिप्लेसमेंट, फटाफट साथ साथ ट्यूनिंग तो इसके अंदर भी दिया गया, इसके अंदर भी दिया गया, वो पहले बता दिया मैंने, ऐसा ऑक्टिवा चेंजिंग बटन इसके अंदर नहीं है, ठीक है। इधर OTS और बटन रखे जो इसके अंदर नहीं है, और इसके अंदर DSP करके बटन है जो उसके अंदर नहीं है। और पीरियड ड्रॉबैक राइट नाउ व्हाट इज दिस, एक बहुत ही बड़ी ड्रॉबैक यानी बहुत बड़ी कमी या कमजोरी इस कीबोर्ड के अंदर है, वो क्या है। न्यूमेरिक कीपैड तो दिया गया है, न्यूमेरिक कीपैड इसके अंदर हैं, इसके अंदर भी हैं, लेकिन भाई इसके अंदर जब तक नंबर नहीं दोगे, नंबर नहीं बताओगे, तो क्या भविष्यवाणी होगी कि संतूर कहाँ पर है, हारमोनियम कहाँ पर है, तबला कहाँ पर है। बट एट द सेम टाइम आई फाइंड दैट यू गेट ए नेम लिस्ट, आई शो यू, आई गेट ए लिस्ट ऑफ नेम्स। फॉर एग्जाम्पल मुझे वॉइस में ये नंबर चाहिए, तो मैं नंबर लगाऊंगा इस्तेमाल कर लूँगा। स्टाइल में मुझे ये नंबर चाहिए, नंबर लगाऊंगा, स्टाइल दबाऊंगा, इस्तेमाल कर लूँगा। भैया अभी एक बात बताओ, यहाँ पर नंबर तो दे दिया, स्टाइल तो दे दिया, टोन का नाम भी दे दिया, अब मेरे को भविष्यवाणी कहाँ से होगी ये तो बताओ, कहाँ से मैं ढूंढूँ रियाज कहाँ पर है, तबला कहाँ पर है, ये चीज़ मेरे को समझ नहीं। अरे अभी तक रोलैंड में ज़्यादा दिमाग है या मुझ में ज़्यादा दिमाग है या आप में ज़्यादा दिमाग है, तो जरूर कमेंट करके ये बात बताइए। अगर हम साउंड की बात कर रहे हैं यमा की, तो उसके बाद रिफ्लेक्शन और शार्प साउंड निकलता है, और रोलैंड EX50 की बात करें बाद रिफ्लेक्शन साउंड है, ज़्यादा क्रिस्पीनेस नहीं सुनाई देता, हालांकि मिक्सर से बदल जाते हैं सभी की आवाज़। अब हम थोड़ा इसके पीछे आ जाते हैं, पीछे की बात जब आती है इसके अंदर सबसे मेन चीज़ यहाँ पे लेफ्ट राइट आउटपुट निकलता है, यानी मोनो आउटपुट नहीं, लेफ्ट चैनल राइट चैनल के लिए आउटपुट अलग अलग निकल जाते हैं इस कीबोर्ड के अंदर। स्टीरियो आउटपुट इसके अंदर सिर्फ एक ही पिन दिया गया है, उसी से हेडफोन लगाओ या तो उसी से मिक्सर के लिए आउटपुट निकाल लो। इसके अंदर एक और खूबी है, लेफ्ट राइट मिक्सर के लिए आउटपुट निकल जाता है, साथ साथ आगे एक और सॉकेट दिया गया है, पर्सनली हेडरूम के लिए हेड बैंड लगा के आप यूज़ कर सकते हैं कि पर्सनली मैं क्या बजा रहा हूँ। ये अच्छा है क्योंकि प्रोफेशनल तरीके से दिया गया। और सबसे खास बात, इसके अंदर पायलट बटन्स हैं, जैसे आप बटन दबाएंगे, ग्रीन, रेड शेड, कोई भी बटन दबाएंगे, आपको लाइट जलता है। ओके, ऐसा कोई लाइट इसके अंदर नहीं जलता। जैसे कोई भी बटन को दबाते हैं ना तो लाइट जल जाता है, कोई भी बटन दबाओ तो अंधेरे में बिल्कुल काम चल सकता है, ऐसा इसमें नहीं है। iFinder के अंदर कोई लाइट नहीं जलता, एक दो बटन को छोड़ के, ठीक है, यानी रात में बजाना बहुत मुश्किल है iFinder को। जो बहुत ही बड़ा एक और एडवांस ऑप्शन जो है वो इसके अंदर है, वो इसके अंदर नहीं है, हालांकि इसके अंदर भी है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप नॉब के थ्रू भी कर सकते हैं उस चीज़ को, जिसको ज़्यादा अच्छे से पता है, मेरे डीप रिव्यू देख लीजिए, मैंने इसके डीप रिव्यू बना रखे हैं, अनबॉक्सिंग जरूर देख लीजिए, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा, सिर्फ इसे देखकर अंडरएस्टिमेट मत कीजिए। अब सबसे बड़ा ड्रॉबैक और सबसे ज़्यादा काम की चीज़ एक है जो iFinder के अंदर नहीं है, EX50 के अंदर है, एकुम्प वॉल्यूम को कंट्रोल करना, यानी रिदम के वॉल्यूम को अलग से कंट्रोल किया जा सकता है EX50 के अंदर, iFinder के अंदर नहीं है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, वॉल्यूम मीन्स एकुम्प वॉल्यूम, दिस इज द एकुम्प वॉल्यूम, अगर मुझे इससे इस, अरे यार, अगर मुझे इस वॉल्यूम को कंट्रोल करना है और इस अलग जो रिदम बन रहा है एकुम वॉल्यूम, दोनों को कंट्रोल करना है, एक ही वॉल्यूम कंट्रोल है, एक ही कंट्रोल है, दोनों गए एक साथ, दोनों आए, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा ऑप्शन है एकुम वॉल्यूम सेपरेट बटन दिया गया है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कुछ बजा रहा हूँ और मैं कॉर्ड ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं कॉर्ड ले लेता हूँ,
अब एक्यूम वॉल्यूम बढ़ाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू राइज द एक्यूम वॉल्यूम। ऐसे टाइम पर क्या होता है, एक्यूम वॉल्यूम कभी कभी बहुत शोर करता है, आपको बजाने वाले को दिक्कत होती है, कलाकार को, तो एक्यूम वॉल्यूम को सेपरेटली कंट्रोल किया जाता है लाइव उसी टाइम, ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूं, आपको समझ आएगा। समझ आया पूरी दा? एक्यूम वॉल्यूम, दिस इज द एक्यूम वॉल्यूम, रिदम वॉल्यूम, बैकग्राउंड रिदम वॉल्यूम, यू कैन कंट्रोल सेपरेटली इजिली इन दिस मॉडल। देयर इज नो बटन इन द i500, ऐसा कोई बटन नहीं। एंड रियाज और बटन इधर इरुकुम, फॉर एग्जांपल जो ज़्यादा बिगिनर्स होते हैं, तक दिन ता ता तई ता ता दिन, उन लोगों के लिए इसके अंदर कलेक्शन दिए गए हैं i500 के अंदर, ऐसा कोई कलेक्शन के अंदर नहीं। हालांकि मैं साथ साथ बता दूं, ये बिगिनर के लिए है ही नहीं ये कीबोर्ड, ये मल्टीपर्पज़ है, इसीलिए 5 साल से धूम धड़ा बिक रहा है, ठीक है। सीधी सी बात है, अब आखिरी में पहुँच तो गए हम, आपको ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ कॉन्सेप्ट है प्रोफेशनल म्यूजिक का, बजाना चाहता हूँ, प्लेबैक है मेरा काम, तो इसको ले लीजिए। ये एक बैंड की तरह काम करता है, जहाँ पर आपको गिटारिस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी आपको तबले वाले की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी रिदम वाले की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी वायलिन वाले की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी बिगिनर बन जाओ, कभी प्रोफेशनल बन जाओ, सभी में काम चल जाता है इसका, तो i500 का, ठीक है। अब आ जाते हैं बहुत ज़्यादा i500 को जो आकर्षित करता है लास्ट ऑप्शन के लगभग, लास्ट ऑप्शन, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन i500, वो क्या है? नादस्वरम, इधर नादस्वरम, ऐसा कोई नादस्वरम ना ये ना वो ना ये ना है, किसी भी कीबोर्ड के अंदर नहीं है, सस्ते कीबोर्ड के अंदर, जो महंगे कीबोर्ड उसी के अंदर आते हैं, लेकिन इस सस्ते कीबोर्ड के अंदर नादस्वरम आ जाता है इसके अंदर। हालांकि नादस्वरम नहीं है, लेकिन नादस्वरम के भी बाप जैसे कुछ इसके अंदर कुछ टोन्स दिए गए हैं, जिसे नादस्वरम का कॉपी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अल्टीमेट कलेक्शन है पाइप्स के, तो आप कुछ रिवर्ब इफेक्ट डाल के बना भी सकते हो। जहां तक कि सस्ते की बात आती है, मैं सबसे पहले जो पहले बताने वाली बात है मैं अब बता रहा हूं, इसकी कीमत है आपको मार्केट में 22,000 से 21,000 का मिल जाता है, और ये मार्केट में अभी भी 30,000 से 32,000 का मिलता है आपको। रेट के हिसाब से बार बार मैं आपको बताता हूं, ये आपको फायदेमंद लगेगा और है भी ठीक ठाक, इतना मैं इसको कमी नहीं बताऊंगा, लेकिन ये रेट के हिसाब से ज्यादा महंगा लगेगा, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं, कुछ ऐसी तकनीकी चीज़ें हैं जो इसको काफ़ी लाइफ लॉन्ग बनाती हैं और ऑर्केस्ट्रा की जान बनाती है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ऑर्केस्ट्रा की जान बनाती है, बाकी नॉर्मली मिडी सॉन्ग्स इसके अंदर भी चलते हैं इसके अंदर। अब मैं वाकई थक गया और आप भी थक गए होंगे, चलिए मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा अनटोल्ड कंपैरिजन के थ्रू कि किस कीबोर्ड को आपको चुनना है। मेरे हिसाब से मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि यमा को लूँ या रोलैंड लूँ। बस एक सिंपल सी बात मैं कहूँगा कि मैं यमा i500 को लेना चाहूँगा, क्योंकि सस्ते में सब काम निपटा लूँगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑर्केस्ट्रा में जाना चाहता हूँ तो i500 से मेरा काम नहीं बनेगा। चलिए यहीं पर ही मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा कीबोर्ड अच्छा लगा। जब तक सेफ रहिए, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय, थैंक यू।